गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें ऑन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सी बर्तनी शुद्ध है। तो उन्नति पूछ रहा है, तो उन्नति कैसे लिखते हैं बताओ। उन्नति नहीं होता, उन्नति छोटी की मात्रा आई, ठीक है। उन्नति, ठीक है। एक होता है नीरोग, ये लिख लो, उज्ज्वल, ठीक है। और आशीर्वाद लिख लो, आशीर्वाद। नेक्स्ट अन्वेषण, अन्वेषण में देखो ये वाला शा बनता है, कौन सा बनता है अन्वेषण, ये वाला ना आता है पहले तो, ठीक है। इसमें पूरा आ रहा है, इसे काट दो, ये वाला शा नहीं आता, ये ऊपर वाला शा आता है। आंसर होगा ए। अहल्या लिख लो, ज्योत्सना, कवित्री। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सी बर्तनी शुद्ध है। कृपा, कृपा इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट अस्पृश्यता, अस्पृश्यता कैसे लिखा जाएगा। तो देखो पृश्यता होता है, री बनता है, तो देखो इसमें री नहीं है, इसमें नहीं है, इसे काट दो, ठीक है। अब देखो ये वाला शा नहीं आता, ये वाला शा आता है, आंसर हो जाएगा बी। री याद करना, प्री पृश्यता बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का विलोम होगा विषाद, हर्ष का क्या होगा विषाद, ठीक है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को आस्तिक से डैश बना देती हैं, मतलब नास्तिक बना देती हैं, विलोम भरना होगा ना, आस्तिक नास्तिक, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसे कहेंगे अपव्यय, क्या कहेंगे अपव्यय, एक सेकेंड प्लीज, वो होगा अपव्यय, ठीक है। जो बहुत कम खर्च करता है उसे कहते हैं, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, मतलब जो नायिका अपने प्रिय से मिलने दिन में जाती है उसे कहते हैं, तो वो दिन में जाती है तो दिन से दिवा, दिवाभिसारिका, दिवाभिसारिका, आंसर होगा ए। नेक्स्ट आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं होंगी क्षेत्र विशेष, आंचलिक एक अंचल, इससे याद रखो आंचलिक किससे होंगी क्षेत्र विशेष। नेक्स्ट तत्सम बताना, देखो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो जितने भी छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब और रेफ वाला रा और ये व, ये सब किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। तो पत्र क्या हो जाएगा, पत्र, आंसर हो जाएगा डी। त्रा आ रहा है ना, और त्रा किससे मिल के बनता है, ता प्लस रा से, याद रखना। नेक्स्ट अत्यल्प, अत्यल्प देखो या और वा से पहले जब भी अधूरा वर्ण आता है तो क्या बताता हूँ मैं आपको, क्या होगा वो यण स्वर संधि, क्या होगा यण स्वर संधि, या से पहले आ रहा है ना अधूरा वर्ण, तो आंसर हो जाएगा यण। वृद्धि में क्या होता है, दो मात्रा लगी होती हैं, दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट गुणहीन, गुड़ से हीन, गुड़ से हीन मतलब क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो अपादान तत्पुरुष, तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण, ठीक है। तो जो व्याधिकरण होता है ना वो कारक चिन्ह आते हैं उसमें सारे, तो उसी में अपादान आएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। तत्पुरुष समास में दूसरा या दूसरा पद प्रधान होता है, बहुवचन में अन्य पद प्रधान होता है, और द्विग में संख्यावाचक होता है, क्या होता है संख्यावाचक। नेक्स्ट वचन अमृत, वचन क्या है अमृत है, अमृत रूपी वचन, तो ये क्या है विशेषण विशेष है, तो आंसर हो जाएगा कर्मधारय, इसमें विशेषण विशेष होता है, ठीक है। द्वंद्व में योजक चिन्ह का यूज करते हैं, और थोड़ा बड़ा कर दूं ना इसे, तो ये हो जाएगा निर्देशक चिन्ह, ठीक है। और दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें तीन प्रकार का होता है, ये कितने, तीन, समाहार, वैकल्पिक और इतरेतर, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसे क्वेश्चन नंबर 19 जवाब दोगे आप। समास का विलोम होता है व्यास, और समास का अर्थ होता है, तुरंत बताता हूँ इसी के बाद अगली लाइन, तो इसे आप आज बताओगे। अर्थ के आधार पर होता है समास 6 प्रकार का, और किसके आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर होता है 4 प्रकार का, आंसर हो, आंसर नहीं बताना इसका, चलो। नेक्स्ट आँख का नीर, देखो एक चीज़ याद रखना, पानी का पर्यायवाची नीर भी होता है, तो ए बार अम नीर जल, ये सब होते हैं पानी के पर्यायवाची। इसके पीछे अगर मैं जा लगा दूँ ना तो कमल बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, तो यज, बारिज, अम्बुज, नीरज। अगर दा लगा दूँ तो यद, बारिद, अम्बुद, नीर, तो ये बादल के बन जाएंगे। अगर धा लगा दूँ तो क्या, समुद्र के बन जाएंगे। अगर क्या लगा दूँ मैं बताओ, जीवन, तो ये मछली के बन जाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो आँखों का नीर डल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? विद्वान का बनेगा विदुषी, कहते हैं ना कि वो विद्वान है और एक वो विदुषी महिला है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, चाकू शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? चाकू का चाकू ही रहता है, नित्य बहुवचन होते हैं कुछ, लिख लो अपनी कॉपी में, हस्ताक्षर होश प्राण और हस्ताक्षर होश प्राण दर्शन ये सब लिख लो। नेक्स्ट, सीमा कुत्ते से डरती, जब आप किसी से डरते हो या किसी से आपको कंपेयर किया जाता है, या जैसे आप मेरे एग्ज़ाम कल से शुरू हैं, कल से इस तरीके से बोलूँगा, तो इन सब में क्या होता है? अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान, जहाँ भी अलगाव आपको दिखाई दे, आप डर रहे हो किसी से तो अलग हो जाओगे ना, तो वहाँ क्या होगा? अपादान। तो आंसर हो जाएगा ए। कारक चिन्हों को ही क्या कहते हैं? परसर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ए राकेश यहाँ आओ, देखो इसमें क्या है, संबोधन चिन्ह लगाए ना, तो क्या हो जाएगा आपका? संबोधन कारक। आंसर हो जाएगा बी। वाक्य ना अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 3। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट, अब देखो ग्लोबल पीस प्राइस, ग्लोबल पीस इंडेक्स, केवल पीस इंडेक्स, इसमें सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? देखो ऐसे देखो, बच्चा कब शांत होता है? जब बच्चे को बर्फ खिला दो। बर्फ क्या होती है? आइस, आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेजोविक। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा ये। इंडिया की इसमें रैंकिंग कौन सी है? 135। याद कैसे करो? पीस में 5 है ना लेटर, तो इसमें भी 5वें पे। नेक्स्ट, केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, तो ये किससे रिलेटेड? रेलवे से रिलेटेड है, मतलब दक्षिण से लेके उत्तर तक ये रेलवे लाइन बिछाएंगे अपने सारे जिलों में जोड़ती हुई। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंध किसने किया है? तो देखो सिंगल कौन रह जाएंगे? जिनका ब्याह नहीं हो पाएगा, तो वो सब कौन रह जाएंगे? सिंगल ही तो रह जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के अभी कौन बने थे बताओ? हाई कोर्ट के हेड बने थे, क्या नाम था उनका? संजय, चलो बता दे रहा हूँ, आगे बताना संजय के आगे क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो देखो 14वीं तो बताओ अभी किसमें थी हाल फिलहाल में? 140। अब ऐसे याद रखो, कंपटीशन सी से स्टार्ट होता है, और सी कितने नंबर पे आता है? ए बी सी तीसरे पे, ऐसे इसलिए ये लगा दो। ठीक है, एक हो गया। अभी जो दान करने की रैंकिंग आई थी उसमें 14वें नंबर पे था इंडिया। ठीक है, अभी हंगर इंडेक्स में 94वें नंबर पे था। इन सबको याद रखना, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेटर ने टेस्ट डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर बनाया, तो ये है सैफाली। देखो सेफ खेलो, कैसे खेलो? सेफ, मगर रन अच्छे बनाओ, तो आंसर हो जाएगा डी। अभी 10,000 रन पूरे करने वाली एक महिला बनी थी, ये मिताली राज, इन्हें याद रखना। 200 विकेट लेने वाली ये झूलन गोस्वामी बनी थी, इन्हें भी याद रखना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दिल से शेयर कर देना अगर पसंद आई हो तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।